नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में मास्केट समेत अर्धनिर्मित पार्टी में पद नहीं मिला, बरामद एक गिरफ्तार। नाथनगर में अपराधियों ने अधिवक्ता की गोली मारकर की हत्या, जमीनी विवाद में आधा दर्जन अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। कहलगांव में प्रसूता की मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, लाखों का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। जिले के 26 केंद्रों पर हुई बीएड की प्रवेश परीक्षा, डीएमयू के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। और नल से पानी लेने को लेकर हुई मामूली विवाद में भाई ने भाई की चाकू घोप कर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के चकदरिया गांव में मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। बताया गया कि छापेमारी में दो मास्केट सहित भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित हथियार की बरामदगी की गई, साथ ही हथियार बनाने का कई औजार भी बरामद किया गया है। बता दें कि यह छापेमारी चकदरिया निवासी मोहम्मद मुजम्मिल के घर में की गई थी, जहां मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। मौके से मिनीगन फैक्ट्री संचालक मोहम्मद मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आगामी चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में यह सूचना मिली थी कि गोराडी थाना क्षेत्र में कहीं पर अवैध हथियार किया जा रहा है। अभी लगभग एक महीने पहले भी उधर से अवैध हथियार जो बनाने वाली फैक्ट्री है उसका उद्भेदन किया गया था। इसी क्रम में हम लोग लगातार सूचना संकलन कर रहे थे और जानकारी मिली कि वहाँ पे आज बनाया जा रहा है, तो हम लोगों की विशेष टीम के द्वारा आज वहाँ पे छापेमारी की गई, जो जिला की विशेष टीम है, और वहाँ पे दो मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। दो लेथ मशीन वहाँ से बरामद किया गया है, एक देसी राइफल बरामद किया गया है और साथ में एक ड्रिल मशीन बरामद किया गया है और अन्य जो हथियार बनाने के सामान है उसको भी बरामद किया गया है। भागलपुर में अपराध का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने वकील वीरेंद्र मंडल के पिता सूर्य नारायण मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलते ही सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज, एएसपी पूरन कुमार झा और नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया गया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार नाथनगर थाना क्षेत्र के माघोपुर गांव निवासी वकील वीरेंद्र मंडल रोजाना की तरह कोर्ट जाने के लिए निर्धारित समय पर घर से निकल रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे हथियार से लैस आधा दर्जन अपराधियों ने वकील के ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अपनी जान बचाने वीरेंद्र मंडल इधर उधर भागने लगे। घटना में वकील वीरेंद्र मंडल बाल बाल बच गए, पर अपराधियों ने वकील के पिता सूर्य नारायण मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देते ही सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग जमीनी विवाद को लेकर जबरन कोर्ट में गवाह को मैनेज कराने के लिए वकील पर दबाव बना रहे थे, पर वकील द्वारा मैनेज नहीं करने पर बौखलाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसमें जमीन का मामला है और उससे पहले हम उसका एक केस लड़ते हैं जिसका सेशन नंबर 103/2016 और 3rd DJ SC/ST वाला मामला है। उसमें वो जबरदस्ती इन्फॉर्मेंट की मां को गवाही गुजरवाने के लिए ले गया था 7/2/2020 को, और दूसरे दिन उसकी मां हमको आकर के बोली कि देखिए हमको जबरदस्ती ले गया था, हम बोले थाना जाओ कोर्ट जाओ, हम क्या करेंगे, हम तो उसके तरफ से वकील है। उसी दिन से वो कहने लगा कि काहे उसको तुम कुछ बोला, हम तुम्हें गोली मार देंगे। कंप्लेंट का लड़का है ना, और इन्होंने लिख के नहीं दिया, लिख के देखा फिर साथी तक करेंगे, वो भी दोषी है। कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में हुई एक प्रसूता की मौत पर परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ हंगामा कर रहे लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए गार्ड के साथ मारपीट की। घटना से मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भगदड़ मच गई। उपद्रवियों ने फर्नीचर, अल्ट्रासाउंड मशीन, CCTV समेत कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर विवेकानंद दास ने घटना की जानकारी SDPO को दी। तोड़फोड़ और हंगामा की सूचना मिलते ही कहलगांव, रसलपुर और NTPC थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पर हंगामा करने वाले लोग अपना काम कर मौके से फरार हो चुके थे।
जानकारी के अनुसार महेसा मुंडा गांव निवासी मोहम्मद नाजिम की 25 वर्षीय पत्नी बीबी रशीदा खातून को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला की मौत हो गई, जिस कारण मृतक के परिजन काफी आक्रोशित हो गए और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हाँ, इतवार को सुबह 6 बजे लेके आए, यहाँ घुसाए उसको लेके आए तो चेक करवाने के लिए बोली से अभी नहीं होगा, इसको लेकर अभी जाओ 2 घंटा रेस्ट करो, 2 घंटा इसको घुमाए फिर से लेके आए। तो बोली सिस्टर देखिए अभी तो बहुत मतलब दर्द हो रहा है, जरा से देख लीजिए, अभी नहीं होगा फिर लेके जाओ, पैसा लेके आई तो बोला ठीक है नानी जी हम पूछते हैं, पैसा लेके आई उसको 3000 रुपया दी, डिलीवरी वाले घर में घुसाए इसको, डिलीवरी घर में घुसा के तो फिर वहां से इसको लेके आए। बीएड प्रवेश परीक्षा मंगलवार को जिले के 2 दर्जन से अधिक केंद्रों पर हुई। परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार ना हो, इसको लेकर सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी सहित पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। बीएड प्रवेश परीक्षा में करीब 8000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व छात्र छात्राओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया, साथ ही बिना मास्क वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। भागलपुर के TNB महादेव सिंह SM मुस्लिम माइनॉरिटी एवं सबौर कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा संचालित की गई। वहीं आसानंदपुर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, नाथनगर गर्ल्स हाई स्कूल, जिला स्कूल समेत कई परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की काफी भीड़ देखी गई। परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर CCTV कैमरे से भी परीक्षार्थियों पर नजर रखा गया। वहीं SM कॉलेज से परीक्षा देकर निकलने के बाद छात्राओं ने बताया कि तैयारी के अनुसार प्रश्न पूछे गए थे। इधर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर सभी केंद्रों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त हुई। इस दौरान TMBU के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर भी मौजूद रहे। व्यवस्था एग्जाम की बहुत बहुत बेहतर था और सोशल डिस्टेंसिंग थी और शांतिपूर्ण था, लोग एक बेंच पे ये थे और जो कानून नियम जो दिया गया है उसका पालन किया जा रहा था और काफी शांति ढंग से परीक्षा हुई और बढ़िया परीक्षा। गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सालपुर गांव में सोमवार को पानी भरने को लेकर हुए मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की पेट में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान सालपुर निवासी मोहम्मद मोइम के 42 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सोहिम के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे लगे सरकारी नल से छोटा भाई पानी भर रहा था, इसी बीच बड़े भाई की पत्नी पानी भरने पहुंची और पाइप हटाकर खुद पानी लेने लगी, जिसको लेकर कहासुनी शुरू हुई और विवाद काफी बढ़ गया। पत्नी से विवाद होता देख मोहम्मद सोहिम वहां पहुंचा और भाई से हाथापाई करने लगा। इसी दौरान बौखलाए छोटे भाई ने घर से चाकू लाकर बड़े भाई के पेट में घोंप दिया, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी भाई फरार है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही गोराडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर छोटे भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मंगलवार को DM कार्यालय में जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान DM ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी विभाग एवं कोषांग के पदाधिकारियों से बिंदुवार समीक्षा की, साथ ही चुनाव कार्य में तेजी लाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बैठक में आदर्श आचार संहिता, वाहन की संख्या का आकलन, मतदान एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों के प्रशिक्षण, कैमरा वीडियो और फोटोग्राफी, सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के आवास की व्यवस्था समेत कई तरह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में DDC सुनील कुमार, ADM राजेश झा राजा, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी अन्नू कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार, DPO अर्चना कुमारी समेत विभिन्न कोषांग एवं विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर
यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिकायत या सुझाव 1950 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर अब दिल्ली की तरह 24 घंटे रोशन रहेगा, न लोड बढ़ने की समस्या होगी और न ही ट्रिपिंग। अब जिले वासियों को बिजली निर्वाध मिलेगी। इसके लिए बिजली कंपनी संसाधनों को बढ़ाने और दुरुस्त करने में जुट गई है। दरअसल 387 करोड़ की इंक्रीमेंट पावर डेवलपमेंट योजना के तहत शहर में 6 पावर सब स्टेशन सहित कई कार्य होना है। इनमें से एक पावर सब स्टेशन का निर्माण भिकनपुर स्थित जीएम के पुराने कार्यालय परिसर में शुरू हो गया है, जिसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है। साथ ही शहर में पोल और तार बदलने का काम भी शुरू हो गया है। भिकनपुर गुमटी नंबर 2 के समीप कंपनी ने अंडरग्राउंड वायर ले जाने के लिए जगह जगह गड्ढा कर दिया है और मिट्टी को सड़क के किनारे ही छोड़ दिया है, जिस कारण कई लोग फिसल कर गिर रहे हैं। साथ ही दुर्घटना एवं जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं टाटा कंपनी ने जहां जहां गड्ढे किए हैं वहां के स्थानीय लोगों को चलने फिरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिकनपुर के रहने वाले मोहम्मद करीमुद्दीन ने बताया कि बारिश होने के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। 18,000 वाट का केबल यहां पे बिछ रहा है जो कि अंडरग्राउंड जा रहा है। लेबर जो काम कर रहा है, लेबर से जब हमने बात किया कि भाई आप जो कचरा निकाल के द्वारे पे जमा कर रहे हैं इसको तो आप कम से कम उठा लीजिए, हम घर से बाहर कैसे निकलेंगे।
तो उसने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा आरपीएफ के स्थापना दिवस पर पूर्व रेलवे मालदा मंडल अंतर्गत कहलगांव रेलवे स्टेशन पर केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने आरपीएफ प्रभारी विभूति झा के कार्यों की सराहना की, साथ ही कहा कि कोरोना महामारी में लोगों के बीच रात दिन एक कर आरपीएफ के जवानों द्वारा जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है। मौके पर अपने दलबल के साथ आरपीएफ प्रभारी विभूति झा एवं संस्था के सुमित अग्रवाल सहित रवि चिरानिया, आशीष लाल, केशव जोशी, संतोष कुमार, डॉक्टर राकी वालम सहित अन्य रेलकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के इंडियन रेड क्रॉस भवन परिसर में मंगलवार को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल एवं छाता का वितरण किया गया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की सहायक निदेशक सह एएसडीओ अनु कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार एवं रेड क्रॉस के आपदा प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने 46 दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल, छाता और मतदाता जागरूकता से जुड़े पोस्टर का वितरण किया। इस दौरान सभी दिव्यांगजनों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। एएसडीओ अनु कुमारी और डीपीआरओ आलोक कुमार ने दिव्यांगजनों को चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाते हुए हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। साथ ही जिले के सभी दिव्यांग मतदाताओं से 100% मतदान में भाग लेने की अपील भी की। मौके पर रेड क्रॉस सह प्रभारी संगीता कुमारी, मास्टर ट्रेनर समेत कई स्वयंसेवक और दिव्यांगजन मौजूद थे। विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर अधिकाधिक मतदाता सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सीट के सौजन्य से जो है सो विभिन्न विभागों के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जो है सो सामाजिक सुरक्षा के सहयोग से जो है सो पीडब्ल्यू डी वोटर्स की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से भागलपुर के कोतवाली थाना में मंगलवार को कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान भागलपुर के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ पत्रकारों द्वारा किए गए सेवा और जागरूकता कार्यों को लेकर शहर के पुलिसकर्मी एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सिटी एएसपी पूरन कुमार झा, संगठन के राष्ट्रीय सचिव ईशान सिन्हा, जिलाध्यक्ष प्रकाश शर्मा एवं जिला महासचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने महिला थाना समेत कई पुलिस अधिकारियों और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ईशान सिन्हा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान संगठन की ओर से जिले भर में जागरूकता अभियान के साथ जरूरतमंदों के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया गया था, जिसमें पुलिस कर्मियों और पत्रकारों का बेहतर सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर भीड़ के कारण समस्या हुई, लेकिन जिला प्रशासन के साथ समाज के लोगों का भी काफी सहयोग मिला। इसी को लेकर सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। साथ ही कहा कि बिहार के सभी जिले में संगठन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को आगे भी निभाने के लिए तत्पर है। मौके पर कोतवाली थाना के अधिकारियों और कर्मियों के साथ संगठन के अवधेश कुमार, अमित कुमार, मुन्ना शाह समेत कई मीडिया कर्मी मौजूद थे। ये सम्मान कोरोना वॉरियर्स को जो पुलिस महिला कर्मियों ने, पुलिस पदाधिकारियों ने, पुलिस सिपाहियों ने जो भूमिका निभाई थी, उन सभी का सम्मान किया गया है। काफ़ी अच्छी पहल है। यही लोग थे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, आप लोग थे जो सब कुछ कवर कर रहे हैं, पर कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके की लड़ाई हम लोगों ने पिछले 7-8 महीने में लड़ी है, उसी तरीके से हमें आगे भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह से कोरोना में लॉकडाउन के दौरान सभी पुलिसकर्मी, जितने भी मीडियागण, डॉक्टर, नर्स, जितने भी लोग कार्य किए हैं इस कोरोना में और लोगों को प्रोत्साहित किए हैं, जागरूक किए हैं, इसी चीज़ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन सभी को प्रशस्ति पत्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज स्थित डाक बंगला परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर डाक बंगला परिसर में एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। मौके पर मौजूद विधायक सुबोध राय ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग द्वारा 4,54,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 2-मंजिला निरीक्षण भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाकर किया। विधायक ने बताया कि निरीक्षण भवन सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यपालक अभियंता मनोरंजन पांडे ने किया। मौके पर जदयू नगर अध्यक्ष संजय मंडल, शंभू मंडल, सुनील कुमार, सदानंद कुमार, अभिषेक आनंद समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। जिला भवन बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 8 कमरा होगा और वो सूट टाइप का होगा। इसमें जो है सारी सुविधाएं रहेगी, इसमें इसके रखरखाव की भी व्यवस्था की जाएगी और ये उच्च कोटि का निरीक्षण भवन बनेगा। बांकामरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भलवार गांव के डीलर पति की अपराधियों ने निर्ममता पूर्वक गला रेतकर हत्या कर दी। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि डीलर सुमन कुमारी के पति युगल कुमार खाद्यान्न अधिप्राप्ति का चालान जमा करने बांका जाने की बात कर घर से निकले थे।
लेकिन देर शाम तक युगल घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर पता चला कि अमरपुर शाहकुंड के चपरी भलुआर सड़क किनारे युगल की लाश पड़ी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना अमरपुर पुलिस को दी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अमरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से देसी पिस्तौल भी बरामद किया है। परिजनों ने बताया कि मृतक का गांव के ही कुछ लोगों से दुश्मनी थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमको तो 10 बजे रात में इन्फॉर्मेशन मिला कि टिंकू जी का मर्डर कहां पर, तो चपरी मोड़ के आगे। बांका सदर थाना क्षेत्र के सिंहजोरी गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हुए बमबाजी में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया गया कि सिंहजोरी गांव निवासी गणेश यादव का गांव के ही परमेश्वर यादव और अनिरुद्ध यादव से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी। मंगलवार को दोनों गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर बमबाजी की गई। घटना में गणेश यादव एवं एक अज्ञात युवक जख्मी हो गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बांका पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में मास्केट समेत अर्धनिर्मित पार्टी में पद नहीं मिला, बरामद एक गिरफ्तार। नाथनगर में अपराधियों ने अधिवक्ता की कुलपति और गोली मारकर की हत्या, जमीनी विवाद में आधा दर्जन अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। कहलगांव में प्रसूता की मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, लाखों का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। जिले के 26 केंद्रों पर हुई बीएड की प्रवेश परीक्षा, डीएमयू के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। और नल से पानी लेने को लेकर हुई मामूली विवाद में भाई ने भाई की चाकू घोप कर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।